गुड मॉर्निंग। आज हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस यूपीपी यूपीपी की मैथ्स की बात करेंगे, जिसमें जितने भी क्वेश्चन मैथ्स से आएंगे, मैथ्स यूपीपी एंड यूपीएसआई। देखिए, ऑफलाइन क्लास हम इसकी नहीं प्रोवाइड करा पा रहे हैं, एसएससी के पूरे बैच हमारे यहाँ चल रहे हैं, लेकिन इसके लिए हम सोचे कि उत्तर प्रदेश पुलिस और यूपीएसआई के बैच को ऑनलाइन बढ़ा दिया जाए। इसलिए हम लोग आज से रोज एक वीडियो मनीषोमेट्री चैनल पर अपलोड करेंगे। तो आप सभी लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, जिससे लोग मैथ्स क्वालिफाई कर सके, मैथ्स के पोर्शन को सही तरह से और पूरे के पूरे नंबर लाने की कोशिश करेंगे। मेरा पहला लेक्चर आज हम शुरू करते हैं, जिसमें क्वेश्चन भी हम बोर्ड पर लिख देंगे और उसका जो भी पीडीएफ फॉर्म होगा वो लिंक पर आपको मिल जाएगा। ट्रिपल एजुकेशनल हब वेबसाइट पर उस पर जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब आपको मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर वन की। सबसे पहले हम लेक्चर नंबर वन की बात करेंगे। लेक्चर नंबर वन, इसमें हम लोग क्या करेंगे, मैथ्स के वो क्वेश्चन लेंगे जो बेसिकली सिंप्लीफिकेशन से डिपेंड होंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर वन लेकर देखिएगा, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सब क्वेश्चन पेपर में आता है। जैसे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर वन की, जैसे हमने कहा कि दो समान मोमबत्तियां समान दर से जलती हैं। पहली मोमबत्ती 16 घंटे में तथा दूसरी मोमबत्ती 12 घंटे में जल सकती है। तो कितने घंटे बाद पहली मोमबत्ती दूसरी से दोगुनी रह जाएगी। इस क्वेश्चन का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा लिंक पर। पहली क्वेश्चन नोट कर लीजिए, दो समान मोमबत्तियां समान दर से जलती हैं, पहली मोमबत्ती 16 घंटे में जल सकती है और दूसरी मोमबत्ती 12 घंटे में जल सकती है। तो कितने घंटे बाद पहली मोमबत्ती दूसरी से दोगुनी हो जाएगी। अब एक क्वेश्चन खूब आता है, जितने भी स्टेट लेवल एग्जाम है और जितने भी वनडे एग्जाम, सेंट्रल लेवल एग्जाम, एसएससी हो या सीपीएसआई हो, सब में क्वेश्चन आता है। तो तरीका क्या होगा करने का, इसका जो सोल्यूशन होगा वो कुछ हम लोग इस प्रकार करेंगे। जो भी समय है 16 और 12 का एलसीएम ले लिया, कितना एलसीएम इसका एलसीएम है 48। तो हम ये मान लेंगे कि जो मोमबत्तियां दोनों हैं वो 48 सेंटीमीटर मीटर, आप कुछ भी मान लीजिए सर, इसको मान लीजिए कि 48 सेंटीमीटर की है, मीटर की है, कुछ भी मात्रक दे सकते हैं इसका, तो 48 सेंटीमीटर की है मोमबत्तियां। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ये वाली मोमबत्ती कितने समय बाद इसकी दुगनी रह जाएगी। कहने का मतलब है क्वेश्चन कह रहा है कि जो है ये मोमबत्ती दूसरे की कितनी हो जाएगी, दोगुनी रह जाएगी। ये क्वेश्चन कह रहा है ये मोमबत्ती इसकी क्या हो जाएगी, दोगुनी रह जाएगी। ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। अब देखिए, तो ये कितना जलती है प्रत्येक घंटे में, 3, तो ये कितना जल रही है, 4। अब कैसे लगाएंगे इसको, 48 में से अगर हम 3t माना 3 घंटे बाद, माना 3 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, तो 48 माइनस 3t अपॉन 48 माइनस 4t बराबर
2/1। क्यों? क्वेश्चन ने आपसे क्या कह रखा है, दुगनी हो जाएगी, जितना बोले ढाई गुनी बोलेगा 5/2 कर देंगे, तीन गुनी बोलेगा 3/2 कर देंगे, आधा बोलेगा 1/2 करेंगे, मतलब जो भी क्वेश्चन में मेंशन होगा हम उसको यहां पर अप्लाई कर देंगे। समय का एलसीएम ले लेंगे, जो एलसीएम आएगा उसको हम मान लेंगे मोमबत्ती की लेंथ है, समान बोला है इसलिए दोनों 48 की होंगी। कितने समय बाद ये दुगनी रह जाएगी उस चीज को हम सॉल्व कर लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। 48 - 3d = 48 × 96 - 18, इसको उधर ले आओ तो बचेगा 5p = 48, तो d बराबर आएगा 48/5, तो 5 × 45 + 3/5, उसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 9 घंटा 9 घंटा और 12 घंटे 60 बातियां 36 मिनट। ये हमारा आंसर होगा। 9 घंटे 36 मिनट के बाद पहली मोमबत्ती दूसरी मोमबत्ती की क्या होगी, दोगुनी हो जाएगी। इसको पूरा सही से समझ लीजिए सर, आज हम 10 क्वेश्चन कराएंगे कम से कम, सभी इंपॉर्टेंट होंगे, और एक क्वेश्चन ऐसा ही हम बाकी इसका पीडीएफ हम आपको दे देंगे, पूरा क्वेश्चन रहिएगा। दो समान मोमबत्तियां समानांतर से जलती हैं, पहली मोमबत्ती 16 घंटे में, तो समय का एलसीएम ले लिया 48, लेंथ ऑफ कैंडल 48 को 16 से भाग किया 3, 12 से भाग किया 4, फिर 48 - 3 जो जल रही थी, मान 3 समय बाद, तो 1 में 1 घंटे में मान लो 3 जलती है, तो 3 घंटे में कितना जलेगी, 3t 4t, 2/1 सॉल्व कर लेंगे पूरा, तो 9 सही 3/5, तो 9 घंटे 36 मिनट, 3/5 को हमने बदल दिया है आवर में, याद सा रहेगा 36। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रही किसी परीक्षा में एक उम्मीदवार को सही उत्तर के लिए 2 अंक तथा गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता है, 1 अंक काट लिया जाता है। यदि उम्मीदवार ने 100 प्रश्न हल किए हों तथा उसे 80 अंक मिले हों तो उसने कितने प्रश्न सही हल किए। अब इस क्वेश्चन को हम बहुत तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, तो ये क्वेश्चन को सही तरीके से सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका तरीका नंबर 1, इसका अगर हम बेसिक लगाएं, बिल्कुल बेसिक लगाएं, तो बेसिक हम क्या करेंगे, तो सही मान लेते हैं एक्स और गलत मान लेते हैं वाई, तो कुल हो गया तुम्हारा क्वेश्चन कितने हैं 100। अब सही नंबर के लिए 2 हैं, 2x - y = कितने 80, सॉल्व कर देंगे कैंसिल हो जाएगा 3x = 180, तो x = 60, तो उसने कितने क्वेश्चन सही किए, 60 क्वेश्चन सही किए और 20 क्वेश्चन गलत किए। अब ये तो इक्वेशन पे था, आसान था क्वेश्चन, दूसरा तरीका देखिए, इसको एलिगेशन से कैसे करते हैं। एलिगेशन करने के लिए क्या करेंगे, सही और गलत, सही के लिए 2 नंबर हैं और गलत के लिए 1 नंबर है, ये कर दिया।
और 80 नंबर मिलते हैं 100 क्वेश्चन में, तो 80 बटा 100 कर दिया। अब इसको 100 अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे, सबको 100 से गुणा कर देंगे, यहां 100 कैंसिल हो जाएगा। अब यहां 100 माइनस का है, प्लस का 80 है, तो पूरा आएगा 180, अपोजिट में प्लस हो जाता है, यहां 200 है, 80 है, तो आएगा 120, तो रेशियो बन जाएगा 3:2। ये रेशियो जो आता है वो प्रश्नों की संख्या का आता है, रेशियो प्रश्नों की संख्या का है, प्रश्नों की संख्या। नंबर ऑफ क्वेश्चन 3, 2, 5, 5 की वैल्यू 100 है, तो 1 की वैल्यू 20, तो सही क्वेश्चन 60 और गलत क्वेश्चन 40। अच्छा, ये तो हो गया तुम्हारा, बिल्कुल दो मेथड हो गए, तुम्हारा बेसिक हो गया। अब मान लीजिए तुम्हारा पुलिस का पेपर होगा, ऐसे का पेपर होगा, तो हम लोग ऐसा सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, समय भी होता है। अच्छा मान लीजिए 80 मेरे क्वेश्चन आता, तो हम कैसे करते, तो यहां देखते कि 80 अंक मिलते हैं 100 क्वेश्चन करता है, हमें क्वेश्चन में ही आंसर निकाल देते। 100 प्रश्न है, अगर मान लीजिए सभी क्वेश्चन गलत होते, सभी क्वेश्चन गलत होते, उसको माइनस का 100 मिल जाता। अगर सभी क्वेश्चन गलत होते तो उसे माइनस का 100 मिल जाता, और प्लस में 80 मिल रहे थे, दोनों का अंतर हो गया 180। अंतर कितना हो गया 180, और दो अंक पॉजिटिव है, एक निगेटिव है, यहां अंतर हो गया 3। 3 की वैल्यू 180 है, तो 1 की वैल्यू 60, तो सही आंसर क्वेश्चन हो जाएंगे 60। क्या हमने किया, सभी क्वेश्चन गलत कर दिया, तो 100 अंक मिलते माइनस में, मिले जबकि उसको प्लस में 80, तो आपका अंतर हो जाता है 180। अब 180 अंतर है 3 का, क्योंकि 2 प्लस में है 1 माइनस में है, तो 3 की वैल्यू 180, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 हो जाएगी, तो इसका सही क्वेश्चन हो जाएंगे 60 और गलत हो जाएंगे 20। हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये दूसरा क्वेश्चन था, हम 10 क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट कराएंगे, पहला क्वेश्चन हो गया, ये दूसरा इस टाइप का सवाल आपको सीखना है, आंसर कितना आ जाएगा 60। इस टाइप में कोई भी दो नंबर हो, यहाँ माइनस 0.5 हो, कुछ भी हो, आप इसको सॉल्व करके ऐसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक आयताकार फर्श, ये सवाल विश्लेषण का नहीं है, क्वांटिटी सवाल है, एक आयताकार फर्श, आयताकार फर्श की लंबाई, की लंबाई 44 मीटर है, तथा चौड़ाई, चौड़ाई 30 मीटर है, तो फर्श में, तो फर्श में समान आकृति की कम से कम कितनी आकृतियां बनाई जा सकती हैं, आकृतियां बनाई जा सकती हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, क्वेश्चन कह रहा है आयताकार फर्श की लंबाई 44 मीटर है, चौड़ाई 20 मीटर है, तो फर्श में समान आकृति की कम से कम, अब देखो समान आकृति की जगह पर ये भी हो सकता था कि वर्गाकार टैक्स, ये भी सब हो सकता था, वर्गाकार टैक्स स्क्वायर, टैक्स कम से कम कितनी लगाई जा सकती है, ये क्वेश्चन हो जाता है, समान आकृति कम से कम कितनी बन सकती है, ये हो सकता है, तो उसका तरीका क्या होता है, सीधे लेते हैं 44 और 30, इसका हम लोग एचसीएफ ले लेंगे, क्या ले लेंगे एचसीएफ ले लेंगे, इसका एचसीएफ होगा आपका कितना 2 होगा, कितना होगा एचसीएफ 2 होगा, तो यहां कितना आएगा 22, यहां कितना आएगा 15, एक का आपस में गुणा कर देंगे, इसका आपस में गुणा करेंगे तो 15 गुणा 30 33 330 समान आकृतियां कम से कम बनाई जा सकती, ज्यादा ज्यादा हो सकती है लेकिन कम से कम कितनी बन सकती है, समान आकृति एक जैसी आकृति आपकी 330 ही बन सकती है। करते क्या है, जो भी नंबर होगा उसे क्या ले लेंगे एचसीएफ ले लेंगे, डिवाइड कर देंगे, और जो आएगा उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, कई बार इसको हम ऐड भी करते हैं, वो क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको, लेक्चर नंबर 2 में।
डेली लेक्चर हमारा बनेगा इस पे। तो ये हो गया आंसर 330। तो एक क्वेश्चन और आ जाए, क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर थ्री है, क्वेश्चन नंबर थ्री है कि एक आयताकार तरस, आयताकार तरस की लंबाई, एक आयताकार तरस की लंबाई 65 मीटर है तथा चौड़ाई 30 मीटर है। तो फर्श में कम से कम कितनी वर्गाकार, कम से कम कितनी वर्गाकार आकृतियां या टैग्स, तो टैग्स कहते हैं, टैग्स लगाई जा सकती हैं। तो क्या करेंगे फिर वही तरीका, 65, 30 SCF मतलब मासा, महत्तम समापवलोकन, मासा कितना आएगा 5, इसको भाग करेंगे 13, इसको भाग करेंगे 6, इसको आपस में गुणा कर देंगे, 13 कितना होता है 78, 78, तो आंसर आएगा 78। ऐसे हम क्वेश्चन नंबर 4 तक पहुंचेंगे, जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं बता देंगे आपको, वैसे फंसी की बुक है लेकिन जिसपे सवाल इसमें आसान होंगे पुलिस लेवल में वो हम सब करा देंगे आपको। जैसे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 लिखो और साथ में नोट करते रहिएगा। यात्रियों से भरी रेलगाड़ी पटना से चलती है। पहले स्टेशन पर उसमें जितने यात्री बैठे थे उसका 1/3 भाग उतर गए एवं उसमें 280 यात्री चढ़ गए। अगले स्टेशन पर 280 यात्री, उसमें से आधे यात्री उतर गए तथा 12 यात्री चढ़ गए, 12 यात्री चढ़ गए। तीसरे स्टेशन पर पहुंचने के बाद यह पाया गया कि उसमें 248 यात्री हैं, 248 यात्री हैं। तो ज्ञात कीजिए कि जब रेलगाड़ी पटना से चली थी तो उसमें कितने यात्री थे तो
उसमें कितने यात्री थे। अभी क्वेश्चन था, देखो ये क्वेश्चन जितने भी हैं सब यूपीएसआई और पुलिस के लिए हैं, स्टेट लेवल उत्तर प्रदेश पुलिस। कोई भी क्वेश्चन एसएससी में आ सकते हैं, बट हम इसमें पढ़ा रहे हैं यूपीएसआई और पुलिस के लेवल के सवाल। 10 क्वेश्चन रोज कराएंगे। यात्रियों से भरी ट्रेन पटना चलती है, पहले स्टेशन पर उसमें जितने यात्री थे उसका एक बार तीन भाग उतर गया, उसमें से 280 यात्री चढ़ गए, दूसरे स्टेशन पर उसमें से आधे यात्री उतर गए और 12 यात्री चढ़ गए। तीसरे स्टेशन पर पहुंचने के बाद यह पाया गया कि उसमें से 248 यात्री हैं। ज्ञात कीजिए कि जब ट्रेन पटना से चली थी उसमें कितने यात्री थे। ऐसे क्वेश्चन कभी भी आते हैं हम क्या करते हैं, इसको रिवर्स लगाते हैं। जैसे आखिरी कितने यात्री हैं, 248 हम इसको पकड़ते हैं, 248 है। ये कब, जब 12 यात्री उसमें चढ़ गए थे, जब 12 यात्री उसमें चढ़ गए। अगर 12 यात्री उसमें चढ़ गए हैं उनको बाहर कर दीजिए तो 248 में से 12 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 6 3 236। अब ये कब हुआ था, जब उसमें से आधे यात्री उतर गए थे, लेंगे को आधे यात्री उतर गए, तो आधे यात्री उतर गए तो उनको बढ़ा देंगे, दुगना कर देंगे, तो क्या आएगा हमारा 12 12 7 और 472। ये कब हुआ था कि 280 यात्री चढ़े थे, उल्टा हम चल रहे हैं यहां से देखिए नीचे से ऊपर की तरफ, तो अगर इसमें जो है बढ़े हैं तो उतारेंगे, वही है आधे थे तो डबल कर देंगे। अब 472 में 280 घटा देंगे, ये तो दो यहां कितना बचेगा 9 8 17, यहां कितना बचा 3 में 2 गया 192। ये कब, जब 1/3 उतर गए। अब बताइए अगर टोटल 1 थे उसमें से 1/3 उतर गए तो बचे कितने 2/3, कहने मतलब है 2/3 की जो वैल्यू है वो 192 है। तो एक तो आपने पूरा पटना में माना था, माना पटना में कितने थे, 1 थे, तो यहां पर 1 की वैल्यू जो आएगी 192/2 × 3, 2 से काट दीजिए, 2 9 18 6 और 3 6 18 27 28 288 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 288। कैसे वापस चलेंगे 248 में 12 चढ़े थे उनको उतार दिए, 236 आधे यात्री उतर गए थे डबल कर दिए 472, उसमें 280 यात्री चढ़े थे उनको माइनस कर दिया 192 और 1/3 भाग उतर गए थे तो बचे 2/3 और 2/3 की वैल्यू 192 है तो 1 की वैल्यू 288 हो जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर था 4, समझ लीजिए पूरा क्वेश्चन नोट कर लीजिए, बाकी दोबारा भी देख सकते हैं तो ऑनलाइन क्लास है कहीं भी पढ़ सकते हैं, तो इसलिए जो है उसको हम मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, 3 धावक 600 मीटर वृत्ताकार रास्ते पर, वृत्ताकार रास्ते पर 10 AM पर एक साथ क्रमशः 20 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड तथा 30 मीटर पर सेकेंड की 4 से दौड़ रहे हैं। कितने बजे वे पुनः एक साथ होंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पुनः एक साथ कभी पूछेगा कि 10 से कुछ समय दे देगा, 10 से 11 के बीच में कितनी बार मिलेंगे या कितने बजे एक साथ मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। अब देखिए तरीका क्या है, बहुत आसान तरीका है, क्या करते हैं समझिएगा। कोई भी चीज होता है कभी भी कोई मिलने की बात करता है, कहता है कि जो है कितने बजे एक साथ मिलेंगे, तो मिलने में समय बहुत काम आता है, समय के अकॉर्डिंग कुछ नहीं हो सकता है, समय से ही है। अब समय कैसे निकालेंगे, 600
बटा समय क्या होता है दूरी बटा चार, तो 20 हो गया पहले का, दूसरा हो गया 600 बटा कितना 25, और तीसरा हो गया 600 बटा कितना 30। वैसे चाहो तो काट भी सकते हो लेकिन आसान हो जाएगा, इसका एलसीएम नहीं हो सकेगा, क्लियर है। एलसीएम तो ऊपर कितना आएगा 600 रहेगा, नीचे एलसीएम कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो आपका आएगा तुम्हारा 120 सेकंड बाद दोबारा फिर मिलेंगे। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो यहां कितना आएगा 20-30 आ जाएगा, यहां कितना आएगा 25, 4×6=24 आएगा, यहां कितना आएगा 20 आएगा। अब इसके आप एलसीएम लोगे तब भी आपका एलसीएम कितना आएगा 120 ही आएगा। तो कहना मतलब 120 सेकंड बाद दोबारा मिलेंगे, 120 सेकंड को बोलते हैं 2 मिनट। तो 10 बजे चलना शुरू किए थे एक साथ, तो वे 10:02 पर एक साथ दोबारा फिर मिलेंगे 10:02 पर। कैसे करेंगे, 3 धाव 4 होते तो आगे 4 स्टेप हो जाते, 5 होते आगे 5 स्टेप हो जाते, जो भी होगा ये डिस्टेंस जितनी भी होगी, मान लो कि रेडियस दे दे, रेडियस दे दिया तो सर्कमफेरेंस निकाल लेंगे 2πr से, 2πr से निकाल लेंगे तो हमें उसकी परिधि मिल जाएगी सर्कुलर ट्रैक की। तो 600 मीटर तक का रास्ते पर है, 10 बजे चलना शुरू करते हैं, 4 ये है और वे एक साथ दोबारा कब मिलेंगे, तो क्या करेंगे दूरी बटा समय, नहीं समय निकालना है, दूरी बटा 4, दूरी बटा 4, दूरी बटा 4, 3 हो 4 हो 5 हो 10 हो 20 हो कितने भी हो, हम लोग एलसीएम ले लेंगे, जो एलसीएम आएगा वही होगा आफ्टर मीटिंग। तो इस समय के बाद दोबारा मिलेंगे, समय कितना है 120 सेकंड, 120 सेकंड बाद दोबारा मिलेंगे, 120 सेकंड कितना मिनट होता है 2 मिनट होता है, तो यहां पर 10 से 10 दो बार दोबारा फिर से मिलेंगे। तो गहरे मतलब कभी भी इस तरह का सवाल आता है तो आप क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, किसका एलसीएम समय का एलसीएम। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए सर, ये सर कहते हैं कि पांच घंटियां क्रमशः, 5 घंटियां क्रमशः 12, 15, 20, 30 और 40 मिनट के अंतराल पर, मिनट के अंतराल पर बजती हैं, मिनट के अंतराल पर बजती हैं, 5 घंटियां क्रमशः 12, 15, 20, 30 और 40 मिनट के अंतराल पर बजती हैं, तो वे यदि वे एक साथ 12 PM पर बजती हैं तो पुनः कितने बजे एक साथ बजेंगी, पुनः कितने बजे एक साथ बजेंगी। तो क्या करेंगे 12, 15, 20, 30 और 40 का एलसीएम ले लेंगे, कितना एलसीएम आएगा 120, कितना एलसीएम आएगा 120। तो 120 मिनट के बाद दोबारा बजेंगी, तो 120 मतलब 2 घंटे बाद दोबारा बजेंगी, मतलब 2 बजे दोबारा बजेंगी, 2 PM पर दोबारा एक साथ फिर से बजेंगी। ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर सिक्स है कि दो संख्याओं का सम, दो संख्याओं का सम 228 है, वह एससीएफ 12 है, तो ऐसे कितने जोड़े बनेंगे,
ऐसे कितने जोड़े बनेंगे, जोड़े बन सकते हैं। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें क्या करते हैं, जैसे मान लो सम दिया है, तीन तरीके होते सम दिए। पहला तरीका होता है यहां सम जहां दिया है वहां का एलसीएम दिया होता तो उसको एचसीएफ से डिवाइड करते हैं, जो आता है भागफल क्वेश्चन जो आता है उसको प्राइम में तोड़ देते हैं, को प्राइम में तोड़ते हैं तो मल्टीप्लाई में तोड़ते हैं। दूसरा अगर सम अपॉन एचसीएफ दिया है तो भी जो आता है उसको को प्राइम में तोड़ते हैं, को प्राइम का मतलब होता है साभाज्य, तो इसका भी प्लस में होता है। अगर तीसरा है मल्टीप्लाई किया है, अगर गुणनफल दिया है तब भी एचसीएफ से डिवाइड करते हैं, तो जो भागफल आता है उसको को प्राइम में तोड़ते हैं बट मल्टीप्लाई लेते हैं। फिर से सुनिए, मुझसे दो संख्याओं का सम दिया है, मान लीजिए वहां एचसीएफ दिया होता तो एचसीएफ से डिवाइड कर देते, जो आता उसको को प्राइम में तोड़ देते। सम दिया है एचसीएफ से भाग करते, जो आता उसको को प्राइम में तोड़ते, लेकिन सम में फैक्टर करते बट सम में, इनटू दिया होता एचसीएफ से डिवाइड करते, जो नंबर आता उसको को प्राइम में तोड़ देते तो मल्टीप्लाई आ जाता। जैसे इसका सोल्यूशन देखिए, 228 को हमने 12 से डिवाइड किया, तो 12 से डिवाइड किया तो 12 एक 12 12 मिया 108 19 आएगा। अब 19 को तोड़ना है सम में, पहला हो जाएगा 1 और 19, दूसरा 2 और 17, तीसरा 3 और 16, चौथा 4 और 15, तो बहुत टूट रहा है, 5 और 14, तीसरा 6 और 13, उसके बाद 7 और 12, 8 और 11, और उसके बाद 9 और 10, फिर रिवर्स हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितने पेयर बनेंगे, 9 पेयर, 9 पेयर बन जाएंगे इस सवाल में, 9 जोड़े। 19 18 18 1 19 17 19 16 15 4 19 14 5 19 16 3 19 12 7 19 11 8 19 10 9 19 और 9 होंगे, 9 पेयर।